नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आईएनटी हिंदी टेक में। दोस्तों साल 2020 का प्रथम वीडियो हमारे चैनल पर है जो क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर के बारे में हम बना रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में आप कैसे ट्रांसफर कर सकती हैं। दोस्तों यह ट्रिक पेटीएम की तरफ से ही है। आप लोगों को पता होगा कि पेटीएम का एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करो, फिर वॉलेट अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से लोड मनी करो और बिजनेस क्यूआर कोड पर पेमेंट कर दो तो सक्सेसफुली वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक जो है थोड़ा सा हटके है और एक्सक्लूसिव ट्रिक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते हो या फिर भगा भगा कर इस वीडियो को देखते हो तो आपको रिटर्निंग में दोबारा जो है यहां पर वीडियो देखने की जरूरत होगा। आप सभी को मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि काफी सारे प्यार जो है आप लोग क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर के ऊपर बरसाते रहे हैं बहुत दिनों से, और काफी सारे रिक्वेस्ट भी करते आ रहे हैं कि कोई चार्जेबल ट्रिक ही है जो जीन्यून है तो वो बताइए। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा किस तरह से आप फ्री ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी तरह से यहां पर चार्ज लग सकता है। दोस्तों अब तक जो हम लोग पेटीएम का ट्रिक अपनाते आ रहे हैं वो वॉलेट टू पेटीएम मर्चेंट अकाउंट है, यानी कि वॉलेट में लोड मनी करो और पेटीएम मर्चेंट में ट्रांजेक्शन कर लो। तो इससे जो है पेटीएम वॉलेट का भी ब्लॉक हो जाता है या फिर पेटीएम मर्चेंट अकाउंट में वॉलेट पेमेंट एक्सेप्ट करना ही बंद हो जाता है। तो ये ट्रिक जो है थोड़ा सा हटके है। जिनका पेटीएम बिजनेस अकाउंट में वॉलेट पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है उनके लिए भी है, और जिनका एक्सेप्ट हो रहा है वो एक काम करो कि पेटीएम वॉलेट में लोड मनी करके और पहले जो है आप अपना पेटीएम बिजनेस अकाउंट को ब्लॉक ही करवा लो वॉलेट का, उसके बाद ही आप कोई चार्ज देना, क्योंकि जब तक फ्री ट्रांसफर हो रहा है तब तक आप इस ट्रिक को मत अपनाना। तो यहां पर सबसे पहले आपको पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन में आना है। आने के बाद आपको यहां पर जो प्रोफाइल वाला आइकन दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर चार्जेस एंड लिमिट पर आपको क्लिक करना है। यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो हमारे इस बिजनेस क्यूआर कोड पर पेटीएम वॉलेट एक्सेप्ट जो है यहां पर नहीं होगा, क्योंकि एक्टिवेट करने की ऑप्शंस आ रही है। ठीक है, तो एक्टिवेट पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा जाएगा कि 1.99% जो है आपको चार्ज देना पड़ेगा अगर फिर से आप इसे एक्टिवेट करना चाहती हैं। तो 1.99% जो है कुछ ज्यादा चार्ज नहीं है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको ट्रिक जो बताने वाला हूं वो उसमें आपको पेटीएम वॉलेट की झंझट नहीं रखना है, डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना है, वो भी बिजनेस अकाउंट पर। आपको क्लिक करना होगा अनलिमिटेड पेमेंट्स। ठीक है, अनलिमिटेड पेमेंट्स पर आपको क्लिक करना होगा, जो कि यहां पर लिमिट बढ़ाने की कुछ पाए है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब इस पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे, जहां पर आपको बताएगा कि पेटीएम वॉलेट से 0% चार्ज, पेटीएम पेमेंट बैंक से 0% चार्ज, यूपीआई से 0% चार्ज। ठीक है, तो इसको आपको अपग्रेड नाउ पर क्लिक नहीं करना है, बल्कि एक बार जो है बैक बटन दबा देना है यहां से। ठीक है, बैक बटन जो है आपको यहां से दबा देना है। तो चलिए बैक कर देते हैं। अब बैक करोगे ना तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आ जाएगा, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि पेटीएम वॉलेट को इनेबल करने की ऑप्शन आ रहा है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को एक्टिवेट करने की ऑप्शन आ रहा है, पेटीएम पोस्ट पेड को एक्टिवेट करने की ऑप्शन आ रहा है और डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करने की ऑप्शन आ रहा है। समझ रहे हो, यहां पर पेटीएम वॉलेट को एक्सेप्ट करोगे, इनेबल करोगे ना तो ये जो मर्चेंट अकाउंट है वो सपोर्ट करने लगा पेटीएम वॉलेट को। ठीक है, और यहां पर क्रेडिट कार्ड को जब यहां पर एक्टिवेट कर दोगे तो डायरेक्टली कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करेगा ना इस बिजनेस क्यूआर कोड को, तो वो डायरेक्टली जो है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएगा, और पेमेंट लिंक भी भेजोगे तो वो डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएगा। अगर पेटीएम पोस्ट पेड के बारे में बात करें तो एक्टिवेट पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर कोई कोई अकाउंट पर एक्टिवेट करने की सुविधा है, जिस पर एक्टिवेट हो जाता है तो पेटीएम पोस्ट पेड बैलेंस को भी आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो यहां पर एक्टिवेट करके आप एक बार जरूर देख लेना। अगर डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो डेबिट कार्ड को भी आप यहां पर एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। अब डेबिट कार्ड पर चार्जेस क्या रखा गया है वो हम आपको बताते हैं। अगर डायरेक्टली कोई आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करेगा तो 0.4% प्लस जीएसटी आपको लगेगा, जो कि 2000 रुपए तक। ठीक है, लेस देन 2000 रुपए। 2000 रुपए से जैसे ही कोई ऊपर का ट्रांजेक्शन करेगा तो 0.9% प्लस जीएसटी चार्ज आपको लग जाएंगे। अगर डायरेक्ट आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहां पर एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब इसे जब एक्टिवेट करोगे तो यहां पर लिखा जाएगा कि 1.99% प्लस जीएसटी आपको लगेंगे, मतलब कुल मिलाकर 2% के आसपास आपको चार्ज यहां पर देना पड़ेगा। लेकिन कोई डर नहीं रहेगा कि आपका बिजनेस अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या फिर पेटीएम वॉलेट ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि पेटीएम वॉलेट से लेना देना नहीं है, डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से आप किसी को पेमेंट लिंक भेज करके डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से जो है यहां पर पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें चार्ज देना पड़ेगा। आप सभी को मैं एक और बात बता दूं कि जितने भी पैन कार्ड है उतना से आप जो है पेटीएम
बिजनेस अकाउंट को ओपन कर सकती हैं और फ्री वाला सर्विस आप लोग यूज कर ले, डिफरेंट यूजर को सिलेक्ट करें, वहां पर डिफरेंट पेटीएम वॉलेट से आप ट्रांजेक्शन करें। और याद रहे कि जब आपका पेटीएम वॉलेट ब्लॉक हो जाएगा उसके बाद ही यह तरीका अपनाए। टर्म एंड कंडीशन को एग्री करते हुए एक्टिवेट पर क्लिक करें और एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करके आप लोग एक्टिवेट कर ले, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो चुका है और प्रोग्रेस में है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड की मनी को बिजनेस अकाउंट पर भेज के अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट में आसानी से ले सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको लगभग सारा जानकारी प्रोवाइड करा दिया है। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा और इस वीडियो में जो भी बात हमने आपको बताया है उस पर जरूर ध्यान दें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें जरूर और यहां पर मैं एक और ट्रिक लेकर आने वाला हूं जो कि 100% फ्री क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर आप लोग कर पाएंगे। इसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।